दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ सीखना है तो हम जैसे वीडियो बनाते हैं वैसा अगर कोई भी वीडियो मिले इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे तो आप देखते जरूर रहिएगा, क्योंकि इसमें सभी जानकारी दी गई है और भी ऐसे ऐसे जानकारी आप ले सकते हैं। सवाल नंबर एक, किस घर में धन की बारिश होती है? दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए अच्छा जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती है और हमेशा मिलती रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है, जिस घर में सभी परिवार पढ़े लिखे होते हैं उस घर में धन की बारिश होती है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, मेंटेनेंस करने को उनको सहमत नहीं होती है, उन घर में कभी भी दुख बीमार पड़ी ही रहती है। दोस्तों सवाल नंबर दो, किस घर के लोगों को दुर्घटना कभी जीवन में नहीं होती है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों अच्छा जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी। दोस्तों इसका सही आंसर है, जिस घर के लोगों को ज़्यादा पूजा पाठ पर ध्यान रहता है उन लोगों के घर में कभी भी समझिए कि दुर्घटना होने की संभावना नहीं बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों पूजा पाठ आप लोग जरूर करें, सबसे ज़्यादा करें और मन लगा करके करें कोई किसी भी देवी दुर्गाओं को। सवाल नंबर तीन, आलू के छिलका पेट में क्यों नहीं पचता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत और जल्दी करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों दोस्तों इसका सही आंसर है, आलू के छिलका प्लास्टिक के जैसा होता है, कुछ भी का छिलका भी प्लास्टिक के जैसा होता है, इसीलिए नहीं पच पाता है। आटे जो है उसको जल्दी नहीं पचा पाते हैं, इसीलिए कभी काल पेट दर्द करने लगता है। इसीलिए आलू का छिलका हो या कुछ भी का छिलका न खाएं, उसको फेंक दें। सवाल नंबर चार, ज़्यादा भूख क्यों लगता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत और जल्दी करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए दोस्तों, कि अच्छा जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है, पाचन शक्ति मजबूत रहने के कारण, यानी समझिए कि लीवर अच्छा और पेट आंते जो है अच्छा रहने के कारण ज़्यादा भूख लगती है, तो उससे नहीं घबराना चाहिए। दोस्तों खाना थोड़ा हल्का खाना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा खाने पर भी पेट खराब होती है। सवाल नंबर पाँच, बीमारी से बचने के लिए कौन सा काम जरूर करना चाहिए हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत और जल्दी करें अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है, खाना खाने के बाद अपने आप पर परख करना चाहिए कि हमने कौन खाना खाए हैं आज, तो हमारा शरीर और सेहत कैसा रहता है वैसा ही खाना खाना चाहिए। किसी खाना खाने से कोई भी अगर ट्रेबुल आता है तो उस खाना को आप लोग मत खाइएगा, अच्छा जो लगे और सेट करे शरीर में वही खाइएगा। थैंक यू दोस्तों, बने रहें।